हेलो दोस्तों, अमन की दुकान में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, फाइनली आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से मेरे आज इस चैनल के 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो फाइनली गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना दुकान दिखाने वाला हूँ, और घर पर दुकान है तो थोड़ा बहुत घर भी आपको दिखाने वाला हूँ। घर पर मैंने सामान फैला हुआ है, मतलब जब किराना दुकान कर लेते हैं घर पर ही, तो जो सामान होता है वो घर पर भी, जो एक्स्ट्रा सामान होता है घर पर भी हम रख देते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ और पूरी दुकान दिखाने वाला हूँ, सामान फैला हुआ है सारा, ये भी कुछ दिखाने वाला हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए। दोस्तों, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट करते रहना, और ऐसे ही मैं वीडियोज़ आपको बनाता रहूँगा, ऐसे ही नॉलेज किराना दुकान से रिलेटेड देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक कमरा है, घर पर कमरा है एक छोटा सा, और इसमें जो है मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पर रख देता हूँ जो फालतू होती है, और बाकी फ्रिज में रखी जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह सारा सामान जो है फैला हुआ है यहाँ पर। मतलब घर पर जब भी दुकान होती है ना किसी घर पर दुकान होती है, तो जो उसका सामान होता है वो हर जगह फैला होता है। किराना दुकान का ऐसा ही सामान होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बोतल यहाँ पर पड़ी हुई है, और गत्ते वत्ते, मतलब अनसट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से फैला हुआ है। और दोस्तों, ये गत्ता जो है ये भी आपका बिक जाता है, इसे भी आपको इकट्ठा करके रख लेना है, इसे भी आपको वेस्ट नहीं करना है, फाड़ना नहीं है, ये भी बिक जाता है, इससे भी आपको थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं। और दोस्तों, ये पन्नी होती ना जिसमें ये बोतल आती है, तो ये भी बिक जाती है, तो इससे भी आपका फायदा हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर की ओर जाकर, एक कमरा और है यहाँ पर, किचन है, और यहाँ पर ये दो चारपाई पड़ी हुई है, और सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप दो चारपाई पड़ी हुई है। और आगे की ओर थोड़ा और जाके यहाँ पर एक जीना है, ऊपर एक मकान है, और यहाँ पर जो बोतल रखी हुई है आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर कंचे की जो बोतल आती है वो बेचता हूँ 5 रुपये वाली, क्योंकि यहाँ पर जो 5 रुपये वाली बोतल है वो बहुत ज़्यादा बिकती है, इतना जो VIP वे नहीं, यहाँ पर आदमी 5 रुपये की बोतल आराम से हर कोई पी लेता है। और दोस्तों, ये फ्रिज है, ये गोदरेज का मैंने फ्रिज लिया हुआ है। और दोस्तों, फ्रिज के बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि फ्रिज आपको कौन सा लेना चाहिए, तो मैंने ये लिया हुआ है फ्रिज, और क्यों लेना चाहिए। और ये खिड़की है दुकान में जाने की, यहाँ पर देख सकते हैं ये गेट है हमारे घर का, और यही की अपाची खड़ी हुई है मेरी, और यहाँ पर आपको मैं खोल कर दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये खोलने का सिस्टम होता है, और इसमें दो दरवाज़े होते हैं, दो इसमें खिड़की होती है, जिसमें से आप आराम से कुछ भी सामान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कलाकंद रखा हुआ है, मिल्क केक कहते हैं इसे डिब्बे पर, तो ये भी अच्छा बिकता है यहाँ पर, इसका भी ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आपको ये कहाँ से लेना है और कितने रुपए में बिक जाता है। तो इस फ्रिज में आप देख सकते हैं इस तरह से ये मटेरियल लगा हुआ है, और बोतल रखी रहती है सारी, आराम से कोई भी दिक्कत नहीं है, बेहतरीन ठंडा होता है, बहुत ही अच्छा फ्रिज है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो थोड़ी बहुत कोई भी दिक्कत होती है तो आप कंपनी से फ़ोन करके, कंपनी वाला घर आता है आपके एकदम, और आपकी जो भी कोई फ्रिज की दिक्कत होगी आपको सारा समझ कर देगा। तो यहाँ पर आपको मैं अपनी दुकान दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, और एक काउंटर रखा हुआ है यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह से फर्नीचर जो है वो पुराना फर्नीचर है, और मेरे पापा जो है वो फर्नीचर का काम करते हैं, तो इस वजह से मैंने उनसे ये फर्नीचर बनाया हुआ है। कुल दाल वगैरह, चीनी वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, जीरा, सौंफ। तो दोस्तों, जो ऊपर मकान थे वो मैंने तो हमने तोड़े थे, तो उसका जो गेट होते थे, लकड़ी के गेट होते थे पहले, तो उन लकड़ी गेट को तोड़ के यहाँ पर उसका फर्नीचर मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये फर्नीचर बिल्कुल ख़राब लग रहा है, और शुरुआत में इतने पैसे नहीं है कि आपको एकदम ही अच्छी दुकान करनी है, बस सामान आपका जो है वो पूरा होना चाहिए, जो भी कोई ग्राहक मांगता है उसका सामान पूरा होना चाहिए, वेराइटी आपको सारी रखनी है, तभी जाके आपकी दुकान चल सकती है। अब कोई भी फर्नीचर आप लगा सकते हैं, ख़राब, पुराना, कोई भी हो, मतलब सामान आपका पूरा होना चाहिए बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दीवार थी, जो यहाँ पर आपको निशान दिखाई दे रहे होंगे, अब देखो यहाँ पर एक दीवार थी, मतलब दुकान बिल्कुल छोटी सी थी पहले, तो जब मैंने दुकान की थी बिल्कुल छोटी सी थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये दीवार तोड़कर, खुद एक मेरा बड़ा भाई है, और तो यहाँ पर हमने ये दीवार तोड़ी, तो इतनी सी दुकान थी पहले, तो यहाँ से दीवार तोड़ के जो दीवार मैंने की हुई ना, ये बराबर में ये आप देख सकते हैं दीवार की हुई है, तो खुद ही की हुई है हमने दीवार, ये यहाँ से तोड़ के इधर इसे की हुई है खुद ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फर्नीचर के पास सर्फ की थैली होती है, और घड़ी साबुन होती है, मतलब बर्तन धोने की साबुन होती है कई सारे,
दाल वगैरह, सोयाबीन, हर तरह की दाल यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी मैं रखता हूँ, क्योंकि छोटी दुकान है, इतनी बड़ी दुकान नहीं है कि 1 किलो या 10 किलो इतना बिकता है, थोड़ा बहुत बिक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर पैम्पर वगैरह, मतलब थोड़ा सामान रखो तो वेराइटी आपको सारी रखनी चाहिए, तो चाहे आपके पास थोड़ा ही थोड़ा क्यों ना हो, बस जो भी सामान आप बेच रहे हो वो सारी वेराइटी आपके पास होनी चाहिए, तभी आपकी दुकान वह चल सकती है। और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से, मतलब सुबह सुबह का वक्त हो रहा है, तो कोई भी सामान जो है अभी ढंग से नहीं लगाया है। और अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर अट्टे कट्टे भी मैं बेचता हूँ, और चावलों के कट्टे यहाँ पर रखे हुए हैं, और नमक लगा हुआ है, झाड़ू भी मैं रखता हूँ। फ़िलहाल जो झाड़ू है वो ख़त्म हो रही है, यानी मैं आपके ऊपर और झाड़ू के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि झाड़ू कितने की आती है, तेल वगैरह। और भाई अभी बहुत वीडियो बाकी है गाइस, बहुत वीडियो आने वाली है अभी आगे, और जैसे कि किताबों के ऊपर, पेंसिल के ऊपर, रबड़ कटर, जो स्कूल का सामान होता है ये भी मैं सारा बेचता हूँ, इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर आने वाली है। और कुछ दिन और अभी मैं सामान लेके आऊँगा ना दुकान का, जब कॉपी वगैरह का, तो इस तरह से मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा कितना हमें कॉपी पर बचता है, पेंसिल वगैरह पर। तो यहाँ पर जो एरिया है ये नमकीन का एरिया है, तो ये फर्नीचर जो है थोड़ा सा नया सा है, प्लाई में लेकर आया था, इससे हमने ये फर्नीचर बनाया हुआ है। चावल के कट्टे, चीनी के कट्टे, और बरसात चल रही है तो मक्खी तो आएगी आपके मीठे पर। और यहाँ पर ये नमकीन देख सकते हैं, नमकीन बहुत ज़्यादा बिकती है पेप्सी के साथ, अगर आप पेप्सी रखते हो तो नमकीन भी आपके ज़रूर बिकती है, और बिस्किट वगैरह भी ज़्यादा ही बिकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये है, ये ड्रेसिंग का मैंने काटा हुआ है, तोड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ मसाले रखे हुए, मीट मसाले, बिरयानी मसाले, छोले मसाले, हर तरह के मसाले रखता हूँ, 10 रुपये बिक्री के, मतलब छोटी सी दुकान है, सामान आपको पूरा मिल जाएगा। आपका अगर छोटी सी दुकान है तो आपको वेराइटी आपको पूरी रखनी है, सारा सामान आपको रख लेना है। तो यहाँ पर ये कुछ लड़ी आती है 5 रुपये में, ये सारे 5 रुपये का आइटम है। दोस्तों एक मेन बात, अगर आपकी बोतल बिकती है, खाली कर देता है कोई भी, खाली करके फेंक देता है, तो आपको एक कट्टा रख लेना है, जिससे आप अच्छी तरह से उन बोतल को इकट्ठा कर सके और उन्हें बेच सके, आपको फ़ायदा होने वाला है इन्हें कुछ बेच कर भी। कमला पसंद, दिलवा, कुछ इस तरह से मैं तोड़ कर रख लेता हूँ, ताकि जल्दबाजी में कोई आए और उन्हें मैं ठाकर एकदम से दे दूँ। तो इस तरह से ये दुकान है, और देख सकते हैं अंदर की ओर जाकर यहाँ से एक आदमी जो निकल जाता है यहाँ पर आराम से, एक छोटी खिड़की यहाँ पर मैंने लगाई हुई है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये दुकान है, और एक छोटी खिड़की लगाई हुई है जो आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, घर पर ही दुकान है तो इस वजह से इसमें मुझे कोई भी किराया नहीं देना होता है। और दोस्तों एक ये यहाँ पर एक खाली पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर मैं अपना जो भी फालतू सामान है, जैसे टीन वगैरह, गत्ता वगैरह, पन्नी वगैरह, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें जो कबाड़ा होता है सारा इसके अंदर डाल देता हूँ। दोस्तों वीडियो बनाते समय यहाँ पर एक जो गत्ता वाला है वो भी आ गया है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। यानी जो बोतल के गत्ते होते हैं ना और पन्नी होती है, वो सारा कुछ ये कबाड़ वाले ले जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये बैठा हुआ है, मतलब ये भी कुछ इन्होंने एक नमकीन का पैकेट लिया है जो खा रहा है। और बस दोस्तों इस तरह से ये दुकान है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कैसी लगी दुकान कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए है, तो ऐसे प्यार दिखाते रहना, सपोर्ट दिखाते रहना। तो टेक केयर, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई और नई वीडियो में।